नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इंडिगो की दिल्ली से पुणे जा रही फ्लाइट में कारगिल के हीरो परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल जैसे ही प्लेन के कैप्टन को इस बात की जानकारी मिली कि प्लेन में सवार पैसेंजर्स में परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर संजय कुमार भी शामिल है, तो उन्होंने कैबिन से बाहर आकर पैसेंजर्स को ये जानकारी दी। कैप्टन ने संजय कुमार की बहादुरी का वो वाक्य भी बयां किया कि कैसे उन्होंने दुश्मनों पर हमला बोला था। हमले के दौरान उन्हें गोली भी लगी थी। इंडिगो की तरफ से सूबेदार मेजर संजय कुमार को तोहफा भी दिया। अन्य पैसेंजर्स ने तालियां बजाकर कारगिल हीरो के प्रति सम्मान जताया। ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए भारत के रहने वाले सचिन के प्यार में पड़ी चार बच्चों की मां सीमा हैदर ने पाकिस्तान को लेकर के कई बड़े दावे किए हैं। जांच एजेंसियों की पूछताछ में उसने कई खुलासे किए हैं। इसके साथ ही उसने दावा किया है कि अगर उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया गया तो वहां उसे जान से मार दिया जाएगा। वहां पैसे लेकर लड़कियों की कम उम्र में ही बड़े उम्र के लोगों से शादी तय कर दी जाती है। सीमा हैदर ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए बताया कि वो पाकिस्तान के जिस इलाके में रहती थी वहां लड़कियों को बचपन में ही बेच दिया जाता है। 1 से 1.5 लाख रुपए तक में लड़कियां बेचकर उनकी बड़ी उम्र के मर्दों से निगाह कर दिया जाता है। वहां लड़कियों को फोटो खिंचाने तक की इजाज़त नहीं है। ऐसे में मैं तो भारत आई हूँ और मीडिया में दिख रही हूँ, वहां मुझे जान से मार दिया जाएगा, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वोटर बहुत होशियार होता है, वो खाता सबका है लेकिन वोट उसी को देता है जिसे उसे देना होता है। गडकरी ने बताया कि उन्होंने एक बार लोगों के बीच में 1-1 किलो मटन बांटा था, फिर भी चुनाव हार गए थे क्योंकि आज का वोटर बहुत जागरूक है। दरअसल गडकरी रविवार शाम महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के कार्यक्रम में चुनाव जीतने के तरीके बता रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बातें बताई। गडकरी ने कहा कि चुनाव प्रलोभन से नहीं बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास और प्यार पैदा करके जीत जाते हैं। जैक डार्सी का पहला ट्वीट जिसका नॉन फंजिबल टोकन 2021 में ईरान के क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्ट सीना एस्टावी ने 23.78 करोड़ रुपए में खरीदा था। तब एस्टावी ने NFT की वैल्यू को इसके यूनिकनेस और ट्विटर जैसे वैल्यूएबल कंपनी के साथ जोड़कर देखा था, लेकिन अब इसकी कीमत $4 से भी कम की रह गई है। इथेरियम ब्लॉकचेन पर रखी अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी को डॉर्सी ने 5 मार्च 2021 को NFT के रूप में डिजिटल नीलामी के लिए रखा था। दुनिया के सबसे बड़े NFT बाजारों में से एक OpenSea के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 2 साल बाद NFT की वैल्यू परसेप्शन में काफ़ी गिरावट आई है और इसका सबसे अच्छा ऑफर लेवल केवल $3.77 ही रह गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से हर केस में राहत मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार को हत्या के एक मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये मामला कैटा के वकील अब्दुल रजाक के कत्ल से जुड़ा है। रजाक की पिछले महीने हत्या की गई थी, वो इमरान के खिलाफ एक अहम मामले में पैरवी कर रहे थे। रजाक के परिवार ने इमरान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में खान को निचली अदालत में पेश होकर बेल हासिल करनी थी, लेकिन वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्हें 27वें केस में भी बेल मिल गई। कोर्ट में पेश होते वक्त इमरान पर प्लास्टिक की बोतल भी फेंकी गई, हालांकि इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर आपको युग चरण की न्यूज अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ। नमस्कार।